वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप देख सकते हैं हम नर्मदा श्रम और सेवा शिविर में 2021-22 का प्रोग्राम बना रहे हैं। आज उसका पहला दिन है। हमने सुबह सुबह पूरे का पूरा आश्रम साफ किया है और अभी असेंबली शुरू होने जा रहे हैं, तो हम उसकी वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सबका आयोजन हमने कर रखा है, सब लोग तैयार होने जा रहे हैं। सुबह वेली सुबह हम उठ गए थे और चाय नाश्ता करके पूरा झाड़ू किया, आश्रम में साफ सफाई की, दर्शन वगैरह किए हैं और अब हमारा कल्चरल प्रोग्राम होने जा रहा है। कार्यक्रम होंगे जिसमें नई नई इवेंट होंगे, जिसमें सब लोग प्रतिनिधित्व जो शिविरता की है वो अपना अपना कुछ नया नया एक्टिविटी करेंगे। और गाइस जुड़े रहे होंगे हमारे साथ, आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू। साथ ही साथ એમના કામને પણ ત્યાં કમિશનર કચેરીમાં પણ નોંધ દેવાઈ છે। મિત્રો હવે કાર્યક્રમને આગળ ધપાવીએ તો પધારેલ મહેમાનોનું સ્વાગત। आज अब हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं। देखिए ये सब केसरा है, दाल है, पूरी है, उपमा है, सारा है, मतलब ये सब है। और क्या है, बहुत ही बढ़िया है। देखिए टेस्टी भी है। हां वो मोटो भी आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मैं बनाऊं नर्मदा वाला तो मजा बन रहा है। और एक एकदम बढ़िया, ये डिश मेरी है। चालू रखो, हम जो लेवल चालू रखो, चालू रखो, ले लो ले लो। अरे आगे चला गया। अब हम सब लोग दादा के पुण्यतिथि में भारत वृक्ष मंदिर रामपुर में आया है सफाई अभियान करने, श्रम सेवा शिविर पर तथा बधा मित्रों हमारा ने बधा लोग भारत हरिद्वार वृक्ष मंदिर में आया है और आपने सफाई करती आवा संस्कार होय। ના કરતા સાધ્ય પરિવાર શું છે બધાને ખબર જ છે ને, आप देख सकते हम जा रहे हैं नर्मदा की परिक्रमा करके वापस घर। ए है हमारे पास है भोलेनाथ की शिवलिंग और घर जाएंगे और उसकी पूजा करेंगे। और देखिए हमारी लाइन कितनी बड़ी दूर तक है और हम सबसे लास्ट में है। तो अब हमारा पहला सेशन यहाँ पे पहला दिन समाप्त हो चुका है। टेस्ट में नहीं चल रहा और हमें बहुत मजा आया, आपको भी मजा आएगा। आप इधर घूमने आइए, ट्रैकिंग कीजिए, ट्रैकिंग के लिए भी आइए, बहुत मजा आएगा। नर्मदा श्रम सेवा शिविर यहाँ पे एक साल में 24 बार ये परिक्रमा किया जाता है, तो आपको बहुत मजा आएगा। आप आइए, आपके बेबी के साथ आइए, आपकी वगैरह वगैरह भी साथ गया है, गर्लफ्रेंड भी साथ आ सकते हैं, बहुत मजा आ सकता है इधर। और आइए और सबको बाय, ऑल ऑफ यू। हम हाय गाइस, हमारे पास ये है शिवलिंग। प्लास्टिक
આજે જો આ મુકવાનો છે તમે.